ज्यादा नहीं है पेमेंट, मैं अभी डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मुझे कितना पेमेंट मिला है। मुझे यूट्यूब की तरफ 1000 रुपीज मिले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज का वीडियो बिल्कुल चिटचैट, एक इंटरैक्टिव काइंड ऑफ वीडियो होगा, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ माय यूट्यूब इनकम। यूट्यूब से मुझे 2 बार पेमेंट्स रिसीव ऑलरेडी हो गए हैं, एंड कितना पेमेंट रिसीव हुआ है पूरे अमाउंट में मैं सबको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप सबके वजह से ही तो मेरा ये जो यूट्यूब का थोड़ा बहुत इनकम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप सबकी वजह से। ऑल्सो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यूट्यूब से किस तरीके से हमें इनकम होता है, मतलब किस तरीके से यूट्यूब हमें पे करती है। तो लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट, हमें यूट्यूब से पेमेंट नहीं रिसीव होता है, हमें गूगल से पेमेंट रिसीव होता है। तो अगर आपके यूट्यूब पर एक चैनल है तो आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए गूगल एडसेंस पर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही गूगल एडसेंस पर आपको अपना जो आइडेंटिटी है पूरा सब कुछ आइडेंटिटी प्रूफ पास करने के बाद आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आपको गूगल की तरफ से पेमेंट रिसीव होते हैं, नॉट फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब एक्चुअली गूगल यूट्यूब सब लिंक ही है, बट द पेमेंट एक्चुअली अगर हम लोग कहें तो वो गूगल हमें पे करता है। अब बात करते हैं कि व्यूज के ऊपर पेमेंट होती है या फिर हमारा जो वीडियोज का वॉच टाइम है उसके ऊपर पेमेंट होती है। तो अब देखिए, मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं कि व्यूज के ऊपर इतने व्यूज होंगे तो इतने पे करेंगे यूट्यूब आपसे, बट ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं 1,20,000 तक ऐसे बहुत सारे व्यूज वाले वीडियोस हैं मेरे। अब अगर आप चाहते हैं तो चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो ना सारे ही 4-5 मिनट के वीडियोज थे, तो उन वीडियोज में मेरा इनकम अगर मैं बताऊं तो इनकम बिल्कुल कम है, मतलब 1-1.5 लाख के हिसाब से बहुत कम इनकम है। तो जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 1000 व्यूज अगर आपके हो जाए तो $1 होता है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1000 व्यूज पर अगर $1 होता है तो 1 लाख व्यूज पर कितने डॉलर्स हुए, उतने डॉलर्स भी नहीं हुए हैं, उससे तो काफी ज्यादा कम है मेरे उन वीडियोज पे। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं होता है कि 1000 व्यूज का इतना अमाउंट $1 या $2, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये है कि जितने एड्स चलेंगे, लोग जितने एड देखेंगे आपके वीडियोज में, उस तरीके से आपको पेमेंट रिसीव होता है। like, मैं एग्जांपल देती हूँ, 2 तरीके के ऐड होते हैं। तो एक है कि अगर आपके वीडियोस 8 मिनट से कम है तो एक फ्रंट में, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐड चलेगी और एक ऐड वीडियो के लास्ट में चलेगी, दैट्स इट, और कोई ऑप्शन नहीं होगा, नहीं भी चल सकती है ऐड, ऐसा भी होता है पॉलिसी कि ऐड नहीं चली। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूट्यूब कि ऐड चलेगी कि नहीं चलेगी। कई बार सिर्फ पहले ऐड चलती है बाद में नहीं चलती, कई बार पहले ऐड नहीं आई फिर एकदम एंड में जाकर ऐड शो किया, कई बार कुछ ऐड ही नहीं आए, तो इस तरीके से हो सकता है। सेकंड टाइप इज दैट कि अगर 8 मिनट से ज्यादा हो गए वीडियोस तो हम खुद से ऐड को ऐड कर सकते हैं, मतलब हम खुद से उसमें प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं फ्रंट में अगर चाहती हूँ तो प्लेस कर सकती हूँ, वीडियोस के मिडिल में कई बार ऐड आ जाते हैं तो उसे हम खुद से प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर 8 मिनट के कम के ड्यूरेशन के है एक वीडियो तो उसकी वीडियो के मिडिल में हम ऐड नहीं पुट कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो टोटली ऑटोमेटिकली यूट्यूब से हो जाता है जितना ऐड यूट्यूब चलाना चाहते हैं फ्रंट में या एंड में ऐसा। तो अगर वीडियो 8 मिनट से ज्यादा है तो बीच में ऐड में डाल सकती हूँ। तो बीच में डालने की एक एडवांटेज ये है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा लेकिन आपने हाफ वीडियो देखा है, तो बीच में एक ऐड तो आपने स्किप कर ही लिया है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत डॉलर तो हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऐड के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, तो मैंने उन सबको बोल कर रखा है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो ऐड जो आता है ना वो पूरा प्लीज देखिएगा। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी, इनफैक्ट मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और मेरी मामी की बेटी जो मेरी बड़ी दीदी है वो भी पूरा एड वगैरह सब देखते हैं, मेरे हर वीडियोस देखते हैं, तो दे आर आल्सो रियली सपोर्टिव। तो लेकिन मेरे व्यूअर्स तो नहीं देखेंगे ना, वो लोग तो स्किप कर ही देते हैं मेरे एड, आई एम श्योर। तो जब स्किप करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो एड देखा ना उन लोगों ने, तो उससे ही कुछ डॉलर्स हो जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी तो स्किप करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स एंड मेरे फ्रेंड्स अगर स्किप ना करे तो उससे थोड़ी ना डॉलर्स इतने ज्यादा डॉलर्स होंगे। तो जो लोग स्किप करते हैं उससे भी पैसे होते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम पैसे होते हैं। और अगर आपके एक वीडियो में 3-4 ऐड चल गए, उन्होंने 3-4 बार स्किप कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ डॉलर होता है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने जैसे कहा कि मेरे 1 लाख, मतलब 1.5 लाख के करीब एक वीडियो है जिसमें ना के बराबर इनकम है, बट रिसेंटली मैंने कोलाजन के ऊपर वीडियो शेयर किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।
तो जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है वो सब मैंने शेयर किया था। वो वीडियो काफी अच्छे से चल रही है एंड वो वीडियो 8 मिनट से ज्यादा है, तो इसकी वजह से उसमें बीच में वीडियो के बीच में एड चल रहा है। तो अगर आप पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, बीच का आपने देखा तो एक एड आपने स्किप किया, जिसकी वजह से उस वीडियो में मुझे जो इनकम हुआ है ना वो अभी इज इक्वल टू टोटल इज सेम अभी 1 लाख के जो वीडियो है उसमें जो इनकम है, और ये वीडियो इसमें शायद 27,000 ऐसा कुछ व्यूज है, पूरा सेम इसका इनकम है दोनों का इनकम। तो इसका मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन एड एंड नॉट ऑन व्यूज। व्यूज जितना भी है, अगर आपके वीडियोस में एड नहीं चली इसका मतलब उस वीडियो से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये है यूट्यूब की पॉलिसी। तो अब बात करते हैं कि मुझे कितना इनकम मिलता है यूट्यूब से। तो मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था वो जितना था, और जो सेकंड पेमेंट मुझे मिला है वो जस्ट फर्स्ट पेमेंट से थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मुझे जो सेकंड पेमेंट रिसीव हुआ था फ्रॉम यूट्यूब वो है 26 फरवरी 6:26 PM को मुझे रिसीव हुआ था सेकंड पेमेंट, और जो फर्स्ट पेमेंट मुझे कब रिसीव हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहते हैं तो उस वीडियो को मैंने आई बटन पर लिंक कर दिया है, आप चाहते हैं तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये जो मुझे सेकंड पेमेंट रिसीव हुआ था ना, उस टाइम मैं मेले में गई थी मेरी बड़ी दीदी के साथ, मेरी मामी मेरी मम्मी के साथ उस टाइम मैं बैठी थी, और उसी टाइम मेरे फोन पर एक मैसेज आया बैंक की तरफ से कि इतना अमाउंट डिपॉजिट हो गया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि इतने दिन हो गए थे, 26 फरवरी को रिसीव हुआ है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि फरवरी का इतना दिन पास हो गया। एंड आई वॉज रियली टेंस्ड अबाउट कि कब आएगा पेमेंट, कब आएगा, बट फाइनली वो आ गया। ज्यादा नहीं है पेमेंट, मैं अभी डिस्क्लोज करने वाली हूँ कि मुझे कितना पेमेंट मिला है। सो मुझे यूट्यूब की तरफ से जो मेरा सेकंड पेमेंट है वो मुझे रिसीव हुआ है, तो वो कितना हुआ है मैं आपको यूं ही वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट मैं आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगी कि आप सब समझ जाएंगे। तो जो रेडमी का फोन है, रेडमी 9 प्राइम 4GB RAM वाला मिंट ग्रीन कलर, तो इस फोन का जो प्राइस है, जितना प्राइस है उतना पेमेंट मुझे सेकंड टाइम में रिसीव हुआ है, सेकंड पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। बट मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जो अमाउंट, जो डॉलर्स हमारे बनते हैं ना, वो फुल अमाउंट हमें रहने ही रिसीव होता है, कुछ अमाउंट यूट्यूब से काट लेते हैं, मुझे नहीं पता शायद कोई टैक्स होगा या GST, पता नहीं क्या है। सो नेक्स्ट मंथ भी जब मुझे रिसीव होगा नेक्स्ट पेमेंट, थर्ड पेमेंट, तब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस वीडियो में आंसर्स दूंगी। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूं, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूं, एंड मैं काफी मेहनत कर रही हूं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, एट द सेम टाइम पार्ट टाइम न्यूज रीडिंग करती हूं और यूट्यूब भी मैं कर रही हूं। सो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक शेयर करके सपोर्ट कर दीजिएगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय एवरीवन।